Hi friends, assalamu alaikum. I am your friend Ali. This is my channel BTU, that means Blind Tech Urdu. Here I am upload many useful tutorials for blind peoples. If you are interested in technology, so please check out my channel. If you like my videos, so don't forget to subscribe my channel. And press the bell icon, to get latest uploads from our channel. We have a WhatsApp group Blind Tech Urdu. If you want to join our WhatsApp group, so contact on this number. +92 316 151 8235. Follow us on Twitter at Blind Tech Urdu for latest updates from our channel. Thank you so much. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप सबका दोस्त अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्लाइंड टेक उर्दू YouTube चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल, क्योंकि हमारे चैनल के 600 सब्सक्राइबर्स जो कंप्लीट हो गए हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहिए तो इंशाल्लाह एक वक्त में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है जब हमारा मोबाइल कहीं पर गुम जाता है, कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमारा काफ़ी डेटा, पर्सनल डेटा मोबाइल में रह जाता है। तो हम सोचते रहते हैं यार हमारा डेटा था उसमें, मोबाइल की तो कोई बात नहीं, वो तो आप किसी ना किसी तरीके से कुछ कर ही सकते हो या नया ले सकते हो आप, या तो आपको शायद मिल भी जाए कुछ टाइम के बाद। लेकिन आपके डेटा की बात होती है, आपका जो पर्सनल डेटा होता है, आप चाहते हो कि वो किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हल आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। हम यूज़ करेंगे गूगल की ऑफिशियल सर्विस, जिसे गूगल फाइंड माई डिवाइस कहा जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप गूगल पर सर्च करेंगे गूगल फाइंड माई डिवाइस, तो आपको वो मिल जाएगी। और ये क्या करती है कि आप अपने मोबाइल में जो जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं उसके थ्रू आपके मोबाइल को ये ट्रैक करती है, आपको उसकी लोकेशन बताएगी। आप उस मोबाइल को अरेस्ट कर सकते हो, आप उस मोबाइल को रिंग कर सकते हो 5 मिनट्स के लिए, और आप उस मोबाइल को जो है वो लॉक भी लगा सकते हो। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी इनके ऑफिशियल ऐप की। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल एक और है तो आप इनका ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गूगल फाइंड माई डिवाइस के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप पीसी से एक्सेस कर सकते हैं गूगल फाइंड माई डिवाइस पर। आप जाएं गूगल पे सर्च करें तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोनों ही सूरत में आपको सेम प्रोसेस होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग जो मोबाइल वाले मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये फाइंड डिवाइस नाम से आएगा, तो इस पर आपको डबल टैप करके इसको ओपन करना है। रिंग सिक्योर एंड एरेस योर एंड्रॉइड डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप हम नेविगेशन करेंगे, मतलब नेविगेशन का यूज़ करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ब्लाइंड पर्सन इसी तरह से मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आपने अपना अकाउंट चूज़ करना है। वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपके दूसरे मोबाइल में जो गुम हो गया या जो चोरी हो गया है उसमें है, और वो अकाउंट आपके इस डिवाइस में भी होना चाहिए। तो अकाउंट आपके डिवाइस में वही वाला होना चाहिए जो उस दूसरे मोबाइल में है। रिन्यू एज टेक विद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड टाइप करना है, तो मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। आपको अपना जो भी आपका अकाउंट है उसका पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने उस पर डबल टैप कर देना है। और फिर जो लोडिंग होगी उसके बाद, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आपसे जो है परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर दीजिए ताकि आपको लोकेशन बता सके। और इसने मेरे मोबाइल की ही लोकेशन मुझे बता दी है। और यहाँ पर ये अकाउंट आपके जितने मोबाइल्स में होगा आप उन सभी मोबाइल्स को इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी लोकेशन बता रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं
तो यहाँ पर सारी चीजें बता रहा है, इसको पता है कि मैं डिवाइस मेरे हाथ में है, इन ये देखिए इन योर हैंड, और बैटरी लेवल 80% है जो कि बिल्कुल ठीक है इसने बताया, और मैं बल्कि बैटरी 80% ही है, और ये लोकेशन भी आपको बता रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा है, कभी देखते हैं यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से आप साउंड प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी डिवाइस को, यहाँ से आप फाइनली अपनी डिवाइस को अरेज कर सकते हैं। तो आपकी EMI नंबर और आपका डिवाइस का IMEI नंबर, और उसके अलावा आपकी डिवाइस की जो है वो, और थोड़ी सी डिटेल आपके डिवाइस का मॉडल नंबर। तो अभी जो है वो ये डिवाइस आपके जितने भी आपके डिवाइस में ये अकाउंट लॉगिन होगा, ये उन सभी डिवाइस को यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप प्ले साउंड कर देते हैं, डबल टैप करते हैं, तो आप तो अब हमारी डिवाइस पे जाओ साउंड प्ले होना शुरू हो गया है, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि साउंड आप प्ले कर सकते हैं। तो ये उस सिचुएशन के लिए यूज़फुल है कि अगर आपके घर में ही कहीं आसपास आपका मोबाइल गुम हो गया तो आप इससे साउंड प्ले कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे या फिर वाइब्रेशन पे होगा तब भी उस पर साउंड प्ले होगा। गूगल का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है यार, और मेरी डिवाइस पर जब साउंड प्ले हुआ तो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो स्टॉप नहीं हुआ, और मेरी रिकॉर्डिंग उसके वो नतीजे में स्टॉप हो गई। कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप साउंड प्ले कर सकते हैं अपनी डिवाइस पर। ये बटन उस वक्त जो है वो काम नहीं कर रहा था स्टॉप साउंड का, वरना इसे आप साउंड जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको साउंड स्टॉप करना हो तो जो आपकी डिवाइस है दूसरी जो आपकी खो गई है उसको आप जब वो आपको मिल जाए तो आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो साउंड ऑफ हो जाएगा। तो स्टॉप कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर दिखा रहा है सारी डिटेल डिवाइस के बारे में, उसके अलावा जो हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है सिक्योर डिवाइस का। यहाँ पर अब जैसे आप डबल टैप करेंगे यहाँ पर आप जो है वो अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि अगर किसी को आपका फ़ोन कहीं पर पड़ा मिल जाता है या कोई किसी नेक दिल इंसान के हाथ आपका फ़ोन लग जाता है तो आपकी डिटेल देके फ़ोन आपको वापस कर दे। हालांकि आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी आपके फ़ोन को उठा लेता है तो आप तक आपका फ़ोन पहुँचा देगा। यहाँ पर आप ऑप्शनल मैसेज डाल सकते हैं लॉक स्क्रीन पे, कुछ भी जो आपकी लॉक स्क्रीन पे शो होगा मोबाइल की। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और यहाँ से फिर आप फाइनली इस बटन पे क्लिक करके अपनी डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, और वो डिटेल आपकी उस मोबाइल पे शो होगी, और अगर किसी नेक दिल इंसान को वो मोबाइल मिल गया तो आपको वापस कर देगा। उसके बाद जब फाइनली हमारे पास ऑप्शन आता है वो है इरेज डिवाइस। अब यहाँ पर डिसेबल इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैं अपनी डिवाइस से अपने फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकता, यानी कि अभी मैं जिस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ इसी फ़ोन को मैं इसके थ्रू रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और डिवाइस को इसके थ्रू रीसेट करूँगा तो वो हो जाएगा, और मैंने इसको ट्राई भी किया हुआ है और ये बिल्कुल 100% वर्क करता है। लेकिन इसका एक इनकी जो है वो शर्त यह है कि आपके जो दूसरी डिवाइस है उस पर वाईफाई या किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचेगी और वो रीसेट होगा या फिर वो लॉक उसको होगा या फिर उसको साउंड प्ले होगा। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको उस डिवाइस पर भी वाईफाई का कनेक्शन चाहिए होगा। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गूगल की तरफ से, और आप इसको यूज़ करके जो है वो अपनी गुमी हुई डिवाइस को या आपकी चोरी हुई डिवाइस को आसानी से जो है वो इरेज कर सकते हैं, या तो अगर आपको मिल जाए तो ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल का, आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आपको इंशाल्लाह इस चैनल से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 600 सब्सक्राइबर्स, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।